बनाने के लक्ष्य के लिए भारत के राष्ट्रपति ने इन अध्यादेशों को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 को अधिसूचित किया। इसका लक्ष्य किसानों को राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में अपनी पसंद के बाजार में कृषि उपज को बेचने की छूट देना है। वहीं एक अन्य अध्यादेश मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अध्यादेश 2020 किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों, थोक व्यापारियों, बड़ी खुदरा कंपनियों और निर्यातकों के साथ पहले से तय कीमतों पर समझौते की छूट देगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन सुधारों को सफल तरीके से लागू करने में सहयोग करने के लिए कहा है। उन्होंने नए सुधारों के परिवेश में कृषि क्षेत्र के विकास और वृद्धि में उनके लगातार समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा है कि किसानों को बेहतर दाम वाले अपनी पसंद के बाजार में उपज बेचने का विकल्प, यात्रा 2020 के लिए जमा कराए गए पैसों को वापस करने का फैसला लिया है। हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मकसूद अहमद खान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस साल यानी हज 2020 के लिए सऊदी अरब सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इसे रद्द करने का फैसला लिया है। इसलिए भारत से हज यात्रा पर जाने के इच्छुक सभी यात्रियों के जमा कराए गए पैसे को वापस करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने हज यात्रियों से अनुरोध किया है कि कमेटी के वेबसाइट पर यात्रा रद्द करने संबंधी एक आवेदन पत्र अपलोड किया गया है। इस फॉर्म को भरने के बाद यात्रियों के अकाउंट में सीधे पैसा वापस कर दिया जाएगा। सरकारी मानदंडों का पालन करते हुए कहा है कि 65 साल से अधिक आयु के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना चाहिए। मास्क का उपयोग, साबुन के साथ हैंड वॉशिंग, जहां भी संभव हो सैनिटाइजर का उपयोग, 6 फीट की दूरी बनाए रखना, तापमान की थर्मल जांच, रजिस्ट्रों का रखरखाव और अलग अलग एंट्री और एक्सिट गेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा राज्य सरकार ने अपने दिशा निर्देश में कहा है। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में मालदो में सीमा कर्मी बैठक स्थान पर हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारतीय पक्ष पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में यथास्थिति बहाल रखने पर जोर देगा, ताकि 5 मई को दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद चीन की ओर से बनाए गए अस्थायी शिविरों को हटाते हुए तनाव में धीरे धीरे कमी लाई जा सके। पिछले महीने गतिरोध शुरू होने के बाद भारतीय सैन्य नेतृत्व ने फैसला किया था कि भारतीय सेना पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्टी के सभी विवादित क्षेत्रों में चीनी सैनिकों की आक्रामक मुद्रा से निपटने के लिए दृढ़ दृष्टिकोण अपनाएगी। भारत और चीन के बीच 3,400